स्टार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुमरा के आनंद कोलीवाला की रहने वाले मोहम्मद शरीफ इस्माइल धुन्ना की डेथ बॉडी बिहार के बक्सर में मिली है। दरअसल शरीफ धुन्ना की बीवी शहनाज शरीफ धुन्ना ने बताया कि 7 सितंबर को शरीफ धुन्ना अपने एक साथी दोस्त अमीन हसन पटेल के साथ झारखंड कार की डिलीवरी करने के लिए गए थे और वहां से पटना गए थे और पटना से उन्हें प्रयागराज जाना था, जिसके बाद इन लोगों ने ट्रेन में सफ़र करने के लिए रिजर्वेशन टिकट बुकिंग अमीन ने की और शरीफ धुन्ना के पास चालू टिकट था। आखिरी बार आरा स्टेशन पर 14 सितंबर को शरीफ धुन्ना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जहां ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर चलते हुए शरीफ धुन्ना को देखा जा सकता है और फिर जब ट्रेन चालू हुई तो वो ट्रेन में सवार होकर चले जाते हैं। मगर बक्सर स्टेशन के पास शरीफ धुन्ना की डेथ बॉडी झाड़ियों में पड़ी हुई मिली है। बक्सर पुलिस ने मुमरा में शरीफ धुन्ना के परिवार को संपर्क किया और परिवार के लोग बक्सर जाकर डेथ बॉडी की जब पहचान की तो वो डेथ बॉडी शरीफ धुन्ना की ही थी। हालांकि डेथ बॉडी मुमरा लाने की परिस्थिति में नहीं थी, जिसकी वजह से बक्सर में ही दफन कर दिया गया। परिवार के लोगों ने बताया कि पुलिस द्वारा जो जानकारी उन्हें दी गई है कि ट्रेन से गिरने खंभा लगने की वजह से उनकी जान जा सकती है, मगर परिवार का कहना है कि अमीन और शरीफ टिकट चेकिंग की वजह से ट्रेन में अलग अलग हो गए थे, मगर फिर अमीन ने शरीफ से कोई भी संपर्क नहीं किया और प्रयागराज चला गया। ये भी बताया कि शरीफ से टिकट किसी ने भी चेक नहीं किया है। इस पूरे मामले में शरीफ की बीवी शहनाज धुन्ना ने फोन लाइन पर क्या जानकारी दी है, सुनिए। शहनाज जी, आपके जो हस्बैंड थे ये कितने तारीख को किसके साथ और झारखंड गए थे जो इनकी डेड बॉडी मिली है, दरअसल ये पूरा मामला है क्या, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जी, मेरे शोहर यहाँ से 7 तारीख को निकले थे अमीन हसन पटेल के साथ में। उनके कोई मतलब बोले मेरे दोस्त हैं, हम तो मैं नहीं जानती थी उनको, तो वो बोले कि मेरे दोस्त हैं, तो हमें अमीन हसन पटेल के साथ में मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ झारखंड, क्योंकि वो यहाँ से डिलीवरी करने के लिए जा रहा था झारखंड। बोला मैं डिलीवरी करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो हैदराबाद से गाड़ी लेके इधर आया था उनको लेने के लिए। अच्छा जी, वो बाद में फिर वो लोग दोनों साथ में यहाँ से गए, अल्लाह ने की देवे कुछ 8 बजे गए 7 तारीख को। झारखंड गए थे या बिहार गए थे, कहाँ पे गए? नहीं नहीं, झारखंड गए थे लोग डिलीवरी करने के लिए, गाड़ी की डिलीवरी 4 व्हीलर थी वो देने के लिए झारखंड गए थे वो लोग। तो फिर यहाँ से ये लोग भाड़े मारते मारते गए, लोग बोले यहाँ से भाड़े मार के हम लोग जाएंगे ना तो हम लोग को पैसे मिलेंगे, ऐसा करते वो लड़के ने बताया। इनको तो कुछ पता नहीं था, ये सब चीज के लाइन मालूम नहीं थी। तो यहाँ से लोग भाड़े मारते हुए गए, तो सुबह माझीवाड़ा से गए हैं वो लोग, तो वो 7:30 बजे तक भी माझीवाड़ा में ही थे लोग। हाँ, और अल्लाह ने किया, फिर उसके बाद ये लोग ना कुछ 11 तारीख को वहाँ पहुँच गए, झारखंड जी, झारखंड पहुँच गए जी। 11 तारीख जो सीसीटीवी फुटेज है ये जो है शायद 14 तारीख की है, जो रेलवे स्टेशन पर वो एक ट्रेन से उतर कर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी कैसे डेथ हुई थी और जिस वक्त डेथ हुई थी उस वक्त जो साथ में जिसके गए थे अमीन, तो वो कहाँ पर थे? वो एक्चुअली वो लोग ऐसा हो गया था कि उन लोगों को और एक डिलीवरी जो है वो कानपुर से लेके गाड़ी लेके उन लोग को बेंगलोर देनी थी, तो मेरे हस्बैंड बोले कि हो सकता है मैं शायद कानपुर से मैं उधर चला भी जाऊं या तो मैं डायरेक्ट बॉम्बे आ जाऊं, तो इन लोग ने दो टिकट का करे, तो बम्बई का मतलब बम्बई का करे मतलब टिकट का, कि अल्लाह ने की देवे उसमें देखे तो मतलब मिली नहीं, एक टिकट खाली कन्फर्म हुई वो लोग की जो अमीन हसन पटेल ने अपने नाम से करवाया, और एक टिकट चालू टिकट ले लिया मोहम्मद शरीफ, मतलब उन्होंने ले लिए मेरे शौहर ने। अच्छा जी, तो वो क्या बोले मैं मतलब SFI की उनकी ना कंफर्म हो गई थी टिकट अमीन पटेल की, उसके बाद वो जब वहां से बोले SFI में वो चढ़ गए, बोले अगर कोई TC आएगा तो मैं उसको मतलब जो भी है करके मैं अपनी सीट बुक करा लूंगा, समझे इस तरह से। और लेकिन उनके वो चालू टिकट अब स्टेशन की है ये फुटेज, ये आरा की है, आरा स्टेशन पे वो रुके हुए है। अच्छा, तो इनका जो डेथ हुआ ये कैसे हुआ, आप लोग बता रहे कैसे डेथ हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी आई? जी, मुझे जो अमीन पटेल जो है अमीन हसन पटेल है ना, वो मुझे बोले कि मतलब 12:30 बजे उनको TC ने कुछ पकड़ा,
तो वो मतलब मुझे बोले कि ठीक है मैं जाके मतलब सीट मतलब मैं कंफर्म करके आता हूँ, तू बैठ, ऐसा बोले। तो बोले तू बता मैं करता हूँ, क्योंकि इनकी चालू टिकट थी ना, और वो S5 में स्लीपर में चढ़ गए थे वो। तो बोले जो भी होगा उनका मैं जो देखे वहीं मैं अपनी सीट कंफर्म करके आता, तू बैठ। उसके बाद अमीन पटेल का ये कहना है कि 12:30 बजे टीसी ने पकड़ा, और वो उसके बाद मैं 10 मिनट के बाद देखा तो टीसी भी नहीं था और ना ही खालू, वो खालू बोलता था शरीफ मोहम्मद शरीफ को, तो बोले खालू भी नहीं थे और वो टीसी भी नहीं था। तो मैं फिर उसके बाद अभी हम लोग तो बहुत परेशान, मतलब मुझे नहीं मालूम था कि मतलब वो, क्योंकि मुझे उन्होंने 3:30 बजे दोपहर को बात कर रहे थे कि बोले मैं ट्रेन पर मैं चढ़ूंगा, लेकिन 11:55 की उनकी 13 तारीख की टिकट, वो लोग मतलब वो टिकट लेके चढ़ गए। फिर उसके बाद जो है मैं सुबह में 9:30 बजे मैंने इनको फोन करी, तो मैं लेकिन फोन लगा नहीं, मतलब उठाया नहीं इन्होंने, कंटिन्यू बेल बज रही थी। तो मुझे बोल दिए थे कि कभी मेरा फोन मैं नहीं उठाऊँ ना तो अमीन को कर देना। तो फिर मैंने अमीन को करी, तो अमीन बोला कि अच्छा, वो बोले खाला मेरे पास आपका नंबर नहीं था आंटी, तो खालू मैं रात से फोन परेशान कर है तो ये फोन नहीं उठा रहे खालू। तो मैं बोली किधर गए, तो बोलते 12:30 बजे उनको इसने टीसी ने पकड़ लिया था। अब मैं भी कंटिन्यू बेल बजा रही तो मतलब वो तो उठा ही नहीं रहे थे। तो फिर मैं बोली अभी क्या करूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आया हम लोग को। तो उसने बोला कि खालू मेरे को बोले थे कि हो सकता है शायद मैं बम्बई आ जाऊँ। मैंने बेटा तू किधर है, तो बोले मैं तो उतर गया और वहाँ पे इलाहाबाद ऐसा क्या नाम, इलाहाबाद का नाम कुछ चेंज हो गया है, प्रयागंज ऐसा कुछ हो गया, हाँ प्रयागराज हो गए। तो उधर उतर के वो बोला मैं तो प्रयागराज उतर गया, और मैं बोला मैं सोचा कि मतलब खालू बम्बई के लिए निकल गए तो नहीं मिलेंगे तो मैं आ गया। मैंने बेटा सबसे पहले गलती तो तूने ही किया, जब तुम लोग 2 टिकट लिए थे, एक चालू थी और तुम्हारी कन्फर्म थी, तो तुमने उनको छोड़े क्यों? पूछते ना कि खालू तुम चल रहे नहीं चल रहे, क्या है, किसी ने पकड़ा तो कहाँ पकड़ा, पीछे तो जाते हैं। बोले हाँ, बोले मेरे से गलती हो गई, मैं ना प्रयागराज चला गया, मैं सोचा अच्छा, उनकी जो डेथ बॉडी मिली है वो कहाँ पर मिली है, कौन सी स्टेशन? ये बक्सर में मिली है उनकी डेथ बॉडी जो है वो। पुलिस ने वहाँ पर क्या बताया कुछ डेथ पुलिस ने क्या नहीं, पुलिस ने उनको मुझे कुछ भी नहीं बताया। जब 14 जब मुझे उसने अमीन हसन ने बताया कि खालू चले गए बम्बई, तो मैं मेरे बेटे को लेके कल्याण स्टेशन गई, मैंने शायद हो सकता है टीसी ने पकड़ा होगा। आपके परिवार के लोग वहाँ गए थे ना? मैं गई थी, मैं खुद कहाँ पे, वहाँ पे बक्सर में ना, बक्सर में तो मेरे तीनों बेटों को भेजी थी मैंने। हाँ, ऐसा हुआ वहाँ से। फिर नहीं, हम लोग जब कल्याण से वापस आए ना, मौत की वजह बताई कि ट्रेन से गिरे हैं या सर, मैंने RPF को फोन करी तो उसने बोला कि देखो आप 12:30 बजे आपके अगर हस्बैंड पकड़े होते तो 1 बजे वो आराम में दिखते नहीं, हम लोग ने फुटेज निकाले। लेकिन ऐसा मतलब वो लोग ये बोल रहे कि हो सकता है मतलब उनकी एक्सीडेंट ही बोलते ना, गिर के उनकी गाड़ी से गिर के मौत हो गई है इस तरह से। हाँ, क्योंकि वो तो दिख रहे ना, मतलब आरा में दिखे अपने बक्सर में, मतलब वो उसी उस दौरान ही आरा और बक्सर के बीच में मतलब गिर गए। जी 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 गिर गए, हमको तो पता नहीं था। बक्सर से मुझे फोन आया एक कि भाई आपके हस्बैंड का वॉलेट मिला है हम लोग को। अच्छा, तो अभी आपको आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में, क्या वाकई में वो गिरे हैं ट्रेन से या कुछ और ही मामला इसमें है? जी मुझे तो अमीन ने इसके अलावा और कुछ भी आप लोगों को बताया? अमीन ने अमीन बोलने लगा, अमीन को बोली तो अमीन खुद वापस से ढूंढने के लिए बोलता, मैं ढूंढने के लिए मैं वापस जा रहा हूँ, फिर से जा रहा हूँ इलाहाबाद। वो फिर से ट्रेन उसमें अपनी वापस 4 व्हीलर लेनी थी ना, उसने कानपुर से 4 व्हीलर उठाया और फिर निकला पटना के लिए। फिर हम लोग उसको बहुत मतलब कांटेक्ट में रहे, बातचीत किए, तो बोलो सबसे पता चला कि सरार मोगल जाएगा ना तो तुझे पता चलेगा कि खालू के मिल जाके कम। अभी आमिन जो है वो आप लोगों से मिलने वाले हैं, आने वाले हैं क्या है? जी वो बोला था कि मैं आज रात को आने वाला हूँ, लेकिन मैं आज मैं मुलाकात नहीं करूंगा क्योंकि मैं थक गया हूँ बहुत ट्रैवलिंग कर करके। तो मैं पूरे मामले में आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब ट्रेन से गिरे हैं या खालू? अगर ट्रेन से अगर नहीं अगर ट्रेन अगर अमीन ने झूठ बोला सकता है इसमें, मुझे कभी ऐसा लगता है कि और कुछ मामला नहीं, हमको झूठ बोला 12:30 बजे बोला कि मैं टीसी पकड़ा, लेकिन जबकि हमको 12:30 बजे टीसी ने नहीं पकड़ा था और वो 1 बजे दिखाई दिया आरा में, उसने खुद बोला। और उसने जो RPF वाले ने बोला कि उनको टीसी ने नहीं पकड़ा है, टीसी से मैंने खुद बात किया हूँ, ऐसी बात हो गई है। तो आप लोग इसके संबंध में कहीं शिकायत वगैरह दर्ज कराई मुमरा पुलिस में या फिर पुलिस में? जी मैं मुमरा पुलिस चौकी गई तो लोग ने मेरी कोई शिकायत लिए नहीं। मुमरा वाले बोले हम ऐसी शिकायत लेते नहीं, जहाँ से आपका आदमी गुम हो गया है आप उधर पटना जाओ और पटना में शिकायत करो। फिर भी मैं यहाँ पे थाना में मैं गई कमिश्नर ऑफिस के, और वहाँ पे जाके मैंने अपने 2 जगह पेपर मैंने जमा करवा दिए। फिर उसके बाद फिर से मैं पुलिस चौकी आई तो पुलिस चौकी वाले बोले कि नहीं वो पेपर तो हमारे पास ही आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक वहाँ से कोई हमको रिपोर्ट नहीं आती। लेकिन मेरे उस दौरान ही मुझे वहाँ से फोन आ गया बक्सर से, जिसने मुझे वॉलेट का बताया था ना कि आपके हस्बैंड का वॉलेट मिला है, उसने मुझे ना वीडियो बताया कि बोला देखो यहाँ पे जहाँ पे हमको वॉलेट मिला है वहाँ पे हम लोग को एक बॉडी मिली है।
तो आप अगर कंफर्म कर सकते हो तो देख लो, अगर मैं इतनी मदद कर सकता हूँ आपकी तो। उसने मुझे वीडियो बताया तो वो मेरे मतलब हस्बैंड की ही थी, ऐसा है। ठीक, ओके।